हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पर। और मैं हूँ रेखा। काफ़ी दिनों से आप लोग पार्लर रेट के बारे में, जो चार्ज होता है उसके बारे में आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रही थी कि मैम इसका क्या लें, इसका क्या लें। तो होता है, सबके साथ होता है, जो लोग नया जब सीखते हैं या खोलते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्या रखें, कितने में बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्लाइंट करवाएंगे नहीं करवाएंगे, बहुत सारी यही सारी चीज़ें सबके मन में चलती है। तो आज काफ़ी समय से मैं सोच रही थी पार्लर की लिस्ट, लेकिन पार्लर में जो चार्ज हमने लिस्ट बनाई हुई है वो काफ़ी पुरानी हो गई, तो काफ़ी चार्ज काफ़ी कम है। तो अब मुझे उसको सही करना था, तो मैंने आज सैटरडे था, घर पर थी, लॉकडाउन था, पार्लर नहीं खोला, तो मैं घर पर ही ये तैयार कर रही थी। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तैयार किया, मैं एक तरीके से लिख रही थी नॉर्मली जो है कॉपी में कि क्या कितना रखना चाहिए। पहले से कुछ चार्ज हमने बढ़ाया है कुछ चीज़ों का, तो बस वही पेज हैं, दो पेज में हम लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। कुछ चीज़ें आपको लोगों के साथ खुद को आपको उसका चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ों का। तो जो मैंने लिखा है, जो ज़रूरी है, जो ज़्यादा आते हैं, वही आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है आईब्रो। तो आईब्रो 20 रुपये है और अभी लोग 20, 25, 30 तक लेते हैं। तो आप 20, 25, 30 तक ले सकती हैं, लेकिन आपको अपने एरिया में क्या पार्लर क्या और सभी पार्लर में क्या रेट चल रहा है। बाय द वे, आप 30 लेती हैं और सभी 20 लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो है, अगर कोई 25-30 लेता है, आप 20 ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपके क्लाइंट आते हैं कि आप कम ले रहे हो। तो स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप 20 ही रखो, उसके बाद आप बढ़ाओ। पहले जब हमने पार्लर खोला तो 15 रुपये ही चार्ज था, अभी मैंने 20 किया हुआ है। अभी क्या, कुछ समय पहले से ही, लगभग 1 साल से पार्लर खुले तो 5 साल हो चुका है, तो अभी मैंने 20 कर दिया, पर मार्केट में मेरे 25-30 ले रहे हैं लोग, पर मुझे नहीं लगता इतना। उसके बाद है अपर लिप, जो कि 5 से 10 लोग ले रहे हैं। अभी मार्केट में मेरे 10 रुपये ले रहे हैं, तो अभी मैंने भी 10 रुपये कर दिया, इसलिए आपको एक ऑप्शन दिया है कि 5 से 10, ठीक है, इतना रख सकती हैं आप, 5 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा भी ठीक नहीं है, तो 5-10 के बीच में रख सकती हैं अपर लिप्स, ठीक है। फॉरहेड 5 से 10, इसका भी आप 10 ले सकती हैं, 5 ले सकती हैं, 5 अगर आप शुरुआत में पार्लर खोल रही हैं तो आप 5 ही रखिए, 6 मंथ साल भर चलाने के बाद आप फिर 10 कर दीजिए, ठीक है। अगर बात करें वैक्स से कोई करवाता है तो आप उससे जो है 20-30 रुपये के आसपास ले सकती हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बोल दे रही हूँ, अगर आप चाहें उसे नोट करना तो कर सकती। मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम था, तो मुझे वीडियो भी आप लोगों को समय से अपलोड करनी थी, तो इसलिए कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं जो कि मैं आपको ओरली ऐसे बोल दे रही हूँ। तो आप लोग अगर अपर लिप कोई वैक्स से आता है तो आप यहाँ पे उनसे 20-30 रुपये ले सकती हैं। अगर फुल फेस कोई वैक्स कराता है तो आप उनसे 200 रुपये ले सकती हैं। नॉर्मली जो वैक्स जो सिंपल वैक्स आती है, जैसा कि अगर आप लोगों ने थ्योरी मेरी पढ़ी होगी तो सिंपल वैक्स, फ्लेवर्ड वैक्स आपको पता होगा, जो रेखा वगैरह वैक्स होती हैं वो उसमें आता है। बाकी जो है सिंपल वैक्स में आप 200 रुपये फेस का वैक्सिंग का ले सकती हैं, तो ये टोटल बाल निकालने वाला फेस का हो गया। उसके बाद आता है हेयर कट, स्ट्रेट कट, यानी कि बराबर करना। स्ट्रेट कट मीन्स बराबर करना, यानी कि 40 रुपये आप बराबर कर रही हैं तो 40 रुपये लीजिए, 40 से 50 ले सकती हैं, ऑप्शनल है। कुछ लोग के बाल बहुत थिन होते हैं तो आप उनका 30 भी ले सकती हैं, बहुत पतले बहुत हल्के होते हैं, बस सिंपल सा। तो देखो आप क्या होता है ना कि दो चीज़ें, कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा बहुत कम चीज़ें जानते हैं लेकिन बाल कटवाने पार्लर में आते हैं, तो उनको लगता है कि सिंपल से तो काट रहे इतना, तो वो उनसे झंझट करने से अच्छा है कि उसमें मेहनत भी उतनी नहीं होती। तो आप उनसे 30 भी ले सकते हो, अपने क्लाइंट को जाने मत दो, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है आपके पार्लर के लिए, आपका क्लाइंट 10-5 के लिए वापस जाए। तो आप 30, 40, 50 इसके बीच में रख सकती हैं। किसी का बाल बहुत मोटा होता है, थिक होता है, काफ़ी घने होते हैं, तो उनका आप 50 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यू कट। यू कट 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, बहुत ज़्यादा थिक है, डीप यू चाहती हैं, जैसे लाइट यू है, डीप यू चाहती हैं, और ज़्यादा गहराई में चाहती हैं, काफ़ी अच्छे से सेप चाहती हैं, ड्रायर कर रहे हो, तो आप 100 रुपये भी यू कटिंग का ले सकती हैं, ठीक है। अगर बाल घने हैं, अच्छे हैं, तो अगर हल्के हैं तो आप 60 रुपये भी ले सकते हैं। फिर वी कटिंग का भी जो है 90 से 100 के बीच में रहता है चार्ज, और फुल लेयर कट का चार्ज 200 से 250 के बीच में रख सकती हैं। और जो है फ्रंट लेयर, यानी कि हाफ लेयर, ईयर टू ईयर जो आगे लोग, बहुत सारे लोग फ्लिक्स कटवाते हैं, आगे के जो हिस्सा होता है उसमें लेयर कटवाते हैं, पीछे के पूरे बाल छुड़वाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कराते हैं। ज़्यादातर गांव में लड़कियाँ या हर कोई आगे ही ज़्यादातर कटवाते हैं, लोग कहते हैं कि आगे से लुक चेंज हो जाएगा, पीछे का वैसा ही लेंथ लॉन्ग ही रखते हैं। तो जो है फ्रंट जो है लेयर, हाफ लेयर, जिसे हम फ्रंट लेयर भी बोल देते हैं, हाफ लेयर भी बोलते हैं, यानी कि ईयर
लेयर से पहले वाले हिस्से को, तो 40-50 ठीक है इसके बीच में आप ले सकती हैं। कोई कोई बहुत कम कटवाते हैं तो 30 रुपये भी ले सकती हैं, ठीक है। फिर स्टेप कट 150 से 200 के बीच में स्टेप कट मतलब इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर जो मल्टी स्टेप्स 200 बहुत ज़्यादा आप गए तो 230 या 250 ले सकते हो, अगर बहुत अच्छी कटिंग आप दे रहे हो उनको, ब्लो ड्रायर वगैरह दे रहे हो, सेटिंग अच्छे से कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है कि इस पे ब्लो ड्रायर वगैरह बहुत सेटिंग आपको नहीं देनी, हल्की देनी। अगर आप बहुत सेटिंग कोई चाहता है, थोड़े थोड़े बाल सेक्शन कर करके आप सेटिंग दे रहे हो, तो इसमें आप 40-50 रुपये चार्ज बढ़ा सकते हैं सभी कटिंग में, ठीक है। क्योंकि जब आप अभी ब्लो ड्रायर की हमने वीडियो नहीं बनाई, जब हम ब्लो ड्रायर की वीडियो बना देंगे तो आप देखोगे कि कितनी मेहनत, जितनी कटिंग में टाइम लगता है उतना ही उसे ब्लो ड्राई करने में भी लगता है। तो हर किसी के हेयर पर जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, ठीक है। पर बड़े बड़े सैलून में ये सब करके चार्ज वो लोग 400-500 करते हैं, क्योंकि ब्लो ड्रायर में टाइम लगता है, इसीलिए वो लोग 400-500 चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर आप भी फुल जो है ब्लो ड्रायर के साथ दे रहे हो, तो आप इसमें 100-50 रुपये चार्ज आराम से बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और जितने भी इसमें कटिंग आती है, फेदर कटिंग आती है और एजुकेशन कटिंग आती है, जितने बहुत सारी कटिंग आती हैं, अभी मुझे तो याद भी नहीं आ रही हैं, जो नॉर्मली कट होते हैं अभी जो चल रहे हैं वही सारी कटिंग अभी मुझे याद थी, बाकी अभी के चार्ज लगभग जो है 200-250-300 के आसपास ही आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हेयर स्टाइल में जो है हमने रखा है टेम्परेरी जो है हेयर स्ट्रेट करवाना है, 200-300 ले सकती हैं। अगर हल्के बाल हैं, पतले हैं, थिन हैं, कम हैं, घने कम हैं, तो आप 200 नहीं तो 300 ले सकती हैं। कर्ल जो है वो भी 200-300 ले सकती हैं। उसके बाद हेयर कलर जो है, जैसा उनका प्रोडक्ट है तब आप कलर कर रही, सिर्फ करने का 200 चार्ज ले सकती हैं। अगर उनका प्रोडक्ट है तो उसी के साथ आप, मतलब जब आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो जितना आप प्रोडक्ट का रखते हो 200-300 और 400-500 ले सकती हैं। किस ब्रांड का कर रही, हाईलाइट जो है वो फुल बालों में अगर हाईलाइट कर रही हैं तो 2000 के आसपास कर सकती हैं, 2000-2500-3000 किस तरीके की करवा रही हैं, उनके बालों में पहले से हीना वगैरह लगी है तो फिर आपका चार्ज ये 3000 तक बैठेगा। फिलहाल अभी जब आप सुर में खोल रहे हो तो अभी ये सब आप करोगी भी नहीं, मान लो करते भी हैं तो ये चार्ज जो है समय के अनुसार और बालों के हिसाब से चेंज होता है, क्लाइंट के हिसाब से। तो लेकिन 2000 से कम आपको नहीं लेना, 2500-3000 आप ले सकते हैं फुल बालों की हाईलाइटिंग करती हैं। फिलहाल अभी हाईलाइटिंग की फुल ट्यूटोरियल नहीं दिया इसलिए आपको यहाँ पे डीप छोड़ दे रहे हैं, पर इसका रेट मैं उसके काम के साथ आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है जो है वैक्स। वैक्स जो है फुल हाथ का 150 से लेकर 170 फुल हैंड का। अभी यहाँ पे आता है कि अगर सिंपल आप हॉट वैक्स कर रही हैं तो आप अगर आप सिंपल वैक्स कर रही हैं तो आप 150 रुपये ले लीजिए। लेकिन फ्लेवर क्या, जैसे कि आप जो है इसमें एलोवेरा का कर रही हैं या जो है और कोई फ्लेवर कर रही हैं, तो उसमें आप जो है 20-30 रुपये बढ़ा लीजिए, क्योंकि हर डिब्बे में 30-40 रुपये 50 रुपये ही बढ़ता है। तो उसी हिसाब से आप भी जो है अपने 10-20 अपने वैक्स में चार्ज बढ़ा सकती हैं। अंडर आर्म करना है तो 40-50 रुपये, ठीक है। अगर एक साथ कर रही हैं तो आप 200 करके ले लीजिए, अलग करिए 40-50 रुपये करिए। फुल पैर का 400-500 के बीच में आप ले सकती हैं। फुल बॉडी वैक्स 1000-1200, ये हो गया सिंपल वैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर सिंपल वैक्स, अगर रीका वैक्स वगैरह कराती हैं तो इसका डबल आप लीजिए, 2000-3000 के आसपास, ठीक है, क्योंकि उसका जो है ज़्यादा होता है और करने का ट्रिक भी अलग होता है बहुत सारे। तो आप 3000 तक भी फुल बॉडी का वैक्स ले सकती हैं। हाथ की बात करें तो 300 हैंड का ले सकती हैं, ठीक है, ये रीका वैक्स का है। उसके बाद है ब्लीच का। ब्लीच का फ्रूट ब्लीच का 150 रुपये, आप 100 भी रख सकती हैं अगर आपकी जो है थोड़ा सा गांव साइड में हो तो 100 रुपये भी ले सकते हो, 150 भी। और जो है अगर कोई नेक वगैरह करवाता है काफ़ी बैक वगैरह तो आप 200 रुपये यहाँ पे चार्ज कर सकती हैं। गोल्ड का है, अभी यहाँ पे ब्रांड आप ऑक्सी लाइफ का हो सकता है, जो है VLCC का है, लोटस का है, नेचर्स का है, ये सारे जो है गोल्ड का 200-250, डायमंड का 200-300 रुपये, D10 का 100-200 रुपये आप इतना चार्ज कर सकती हैं। ये नॉर्मली अगर ब्रांड की बात करें, लोटस हो गया, बायोटिक हो गया, BLCC हो गया, और बायोटिक बोल दिया, उसके बाद जो है फेम का हो गया, ये जो सिमिलर रेंज के हैं ना, कि अगर सिंगल लेते हैं तो वो 40-50 के अंदर, तो उसका आप चार्ज ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स काफ़ी सस्ता आता है, 250-300 में भी काफ़ी ज़्यादा, उसमें 5-7-10 ब्लीच हो जाते हैं, तो आप उसका 150-100 रुपये इतना चार्ज कर सकती हैं, ठीक है।
आप चाहें तो आप इसको लिखते चले, वीडियो दो तीन बार करके देख सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैनीक्योर का पेडीक्योर का पूरी VLCC जो किट आती है, पैनेट आती है, तो इसमें भी एक घंटा लगता है, प्रोसेस भी फेशियल जैसा ही होता है। तो आप 400 से 500 कर सकती हैं, ठीक है। पेडीक्योर का मैनीक्योर का आप 400 रुपये कर, 400 या 500 रख सकती हैं इतना, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने पार्लर में कितना व्यवस्थित किए हो, कितना आप उनको व्यवस्था दिए हो। जैसे अभी गर्मी का मौसम, आपने पार्लर में AC वगैरह लगाए हुए हो, हाइजीन का ख्याल रखते हो, टिशू है, स्पॉन्ज है, तौलिया है, काफ़ी अच्छा क्लीन सब कुछ, बैठने का उठने का सब कुछ, तो आप इसमें जो है, जैसे हमने 400 कहा, आप अच्छा व्यवस्था कर रहे हो तो 500 कर सकते हो, 600 भी चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे सैलून में व्यवस्था अच्छी होने के कारण चार्ज होते हैं, करने का ट्रिक तरीका सभी वही होता है, पर उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि वो अपना चार्ज करते हैं। वो मार्केट ऐसी होती है, जैसा अभी मैं ये चार्ज आपका तिलियरगंज का बता रही हूँ, पर आप मेरे ही इलाहाबाद का अगर सिविल लाइन चले जाओ तो इसके डबल आपको चार्ज है। थ्रेडिंग का हमने 20 कहा और वहाँ 50 से नीचे आईब्रो का नहीं है, और उनसे कई गुना ज़्यादा हम अच्छा बनाएंगे। पर एरिया वाइज भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका पार्लर कहाँ पे है, उस हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है क्लीनअप। क्लीनअप में फ्रूट क्लीनअप का है 150। 150 में आप सिर्फ सिंपल सा क्लेंजिंग करना है और जो है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करना है, स्क्रब करना है, उसके बाद सिंपली सा पैक लगा देना है। तो आप जो है यहाँ पे मसाज अगर नहीं दे रही हैं तो आप 150 रुपये लीजिए। लड़की लोग काफ़ी चाहती हैं कि बहुत हल्का एकदम चाहिए मुझे, तो आप 150, नहीं तो आप अच्छा क्लीनअप अच्छे से दे रही हैं फ्रूट्स वाला, जो स्टेप्स फॉलो कर रही हैं, क्लेंजिंग कर रही हैं, स्क्रब कर रही हैं और 5 मिनट की मसाज देने पर पैक लगा रही, तो आप 250 रुपये लीजिए, ठीक है। 250 से 300 चार्ज कर सकती हैं। उसके बाद ग्लो के लिए, ग्लो में आप डायमंड, पर्ल कोई भी दे रही हैं, VLCC नेचर्स इनके लोटस के अगर क्लीनअप दे रही हैं आप, जैसे लड़कियां चाहती हैं ना, लड़कियों को फेशियल की जरूरत, मसाज की जरूरत नहीं होती है, तो चाहती हैं कि मुझे ग्लो मिले, तो आप जो है इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है, पर टाइमिंग कम कर देती है, प्रोडक्ट कम लगता है क्योंकि इसमें गले वगैरह में नहीं होता है क्लीनअप में। तो आप 400 से 500 चार्ज ग्लो के लिए कर सकती हैं। ये है नॉर्मली सिमिलर ब्रांड, जैसे हो गया VLCC हो गया, नेचर्स हो गया, लोटस हो गया, और जो है कौन से बायोटिक हो गए, इसके सिमिलर जो रेंज है, बहुत सारे आस्था वेरी के हो गए, अभी तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कुछ ब्रांड, लेकिन ज़्यादातर यही चलते हैं, VLCC, लोटस, नेचर्स, बायोटिक, तो इनके सभी के चार्ज जो है लगभग आप 400 से 500 क्लीनअप ग्लो वाले जो है, या पार्टी ग्लो आप कर सकती हैं, तो आप यही चार्ज रख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लीनअप आता है O3 प्लस का, जो काफ़ी अच्छा होता है, जो इसके आसपास के ब्रांड है O3 प्लस के क्लीनअप और कई ब्रांड के आते हैं, अभी मैंने सिर्फ O3 की रेंज रखी, इसी की रेंज के और सारे कुछ ब्रांड आते हैं जो प्रीमियम ब्रांड है, तो उनका जो है चार्ज आप क्लीनअप का 1,000-1,500 रुपये आप क्लीनअप का चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। जो अच्छी ब्रांड है उनका आप इतना चार्ज कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक पेज कंप्लीट हुआ। अभी आते हैं फेशियल। फेशियल का अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, ठीक है। मैं फ़ोटोज़ लास्ट में लगा दूंगी खींच कर, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी है फेशियल। फ्रूट फेशियल 350 रुपये से लेकर 400 तक, ठीक है, फ्रूट फेशियल। और ये वही हमने बताया, BLCC हो गया, नेचर्स हो गया, लोटस हो गया, लोटस की प्रोफेशनल रेंज आती है, उसको छोड़कर एक नॉर्मल रेंज आती है, ये सारी जो है रेंज, जो नॉर्मल रेंज के आते हैं, उनको आप 350 से 400 के बीच में रख सकती हैं। अगर आप BLCC का सिल्वर कर रही हैं, या सिल्वर इसी रेंज के जितने भी ब्रांड उनका कर रही हैं, तो 500 से 600 ले सकती हैं। VLCC पर 500 से 600, गोल्ड का 600 से 700 रुपये, इसी के सिमिलर है, आप 800 भी ले सकती हैं गोल्ड के नाम पर आप देखोगे पर्ल, सिल्वर और गोल्ड का सेम रेंज है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि करने का ट्रिक भी सेम होता है, तो हमें नहीं लगता कि उसका चार्ज जो है गोल्ड के नाम से बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो ये स्किन वाइज चलते हैं, बाकी डायमंड का चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 800 से 1,000 कर सकती हैं। ये है बायोटिक का आप कर सकती हैं, फेम का आता है, नेचर्स का आता है, BLCC का आता है, ये 4-5 ब्रांड जो हैं वो यहाँ पे इसी रेंज के आसपास आप रख सकती हैं, तो अच्छा होता है। बहुत सारे लोग गोल्ड के नाम पर इसी कंपनी को जो है, अगर प्रोफेशनल लोटस में प्रोफेशनल रेंज आती है, अगर उसको करती है, तो आप 1,000-1,200 ले सकती हैं, पर ये नॉर्मल रेंज वाले आप इतना लीजिए। बहुत सारे लोग गोल्ड के नाम पर 1,500-1,500 रुपये ले लेते हैं, जो कि अगर सहनाज का कर रही हैं तो आप 1,500 रुपये सहनाज का गोल्ड फेशियल अगर आप दे रही हैं, तो आप जो है 1,500-2,000 रुपये
आराम से ले सकती हैं क्योंकि उसके चार्ज ज़्यादा हैं। अभी ओ थ्री प्लस का जो है एक जो नॉर्मल रेंज का आता है वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए आता है, जो फेशियल मैंने किया हुआ है उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप कर सकती हैं 1500 रुपये 1800 रुपये। लेकिन एक ब्राइडल का आता है जो 750 रुपये की किट आती है, सिर्फ ब्राइडल की बनी होती है, तो उसको करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं क्योंकि उसमें जो स्टेप्स होते हैं, जो करने के स्टेप्स दिए जाते हैं, जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं, वो कम से कम 9 स्टेप होते हैं, तो सभी स्टेप्स को करने में टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आप वहाँ पे 3000 आराम से ले सकती हैं, मैं लेती हूँ 3000 रुपये, 3000 साढ़े 3000, आप 4000 तक ले सकती हैं, बड़े सैलून में उसका 5000 लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है अभी जो है उसका जो है, और 4-5 कंपनियाँ जो जो है O3 के और जो है शहनाज के बीच में हैं, तो वो भी चार्ज आप इसी के आसपास रख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो है ये, अगर मैं ब्राइडल की बात करूँ, ब्राइडल फेशियल किट की, तो इसकी जो किट है ना वो 750 रुपये है। ठीक है, 750 रुपये। उसके बाद 100-150 रुपये आप हाइजीन के लिए, आप टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करते हो, 2-3 टिश्यू वगैरह इस्तेमाल होता है, जो है काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आप इसमें खर्चा जो मान के चलिए वो 1000 मान के चलिए, 2000 आप करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर 2 घंटा लगता है क्लाइंट को करने में। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरीके से आप सोच के करो कि आप इसमें, अगर हाँ एक चीज़ और आपके बता रही हूँ, अगर आपके पास आसपास लोग यही कराना चाहते हैं तो आप वो इतना नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसको 2000 में भी कर सकते हैं, अगर नया खुला हुआ है आपका और आप चाहते हो कि नहीं मुझे क्लाइंट, मतलब जहाँ पे चीज़ें हैं ना कि 1000 आपका है, 1000 तो प्रॉफिट बच ही रहा है, पर क्या होता है ना कभी कभी मार्केट में अगर आप बहुत कम कर देते हो तो भी चीज़ें लोग बोलते हैं कि नहीं लोकल कर रही हैं क्या, इतना कम कैसे हो रही है, यहाँ तो ये चीज़ का इतना लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रेट को लेकर मेंटेन करना पड़ता है ये चीज़ें। लेकिन कुछ समझनी भी चीज़ें पड़ती हैं कि अगर आपके पास क्लाइंट आए हुए हैं वापस जाएंगे तो फिर उसका असर सही नहीं पड़ता, अपनी पार्लर पर अच्छा असर नहीं होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये फेशियल किट वगैरह का बता दिया है, अगर आप थोड़ी सी कॉस्टली रहती तो आप 1500 2000 3000 के आसपास रख सकते हो, बाकी आप 700 800 900 इसके आसपास ले सकती हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं ऐसा कि आप कुछ चीज़ें आपको ध्यान में भी देना पड़ता है कि कभी कभी अगर जैसे कोई भी फेशियल किट 300 की है मान लीजिए, उसमें 2 फेशियल आप कर सकते हो डायमंड का है, जैसे मैं मान लेती हूँ कि आपको देती हूँ एक उदाहरण, BLCC का डायमंड फेशियल जो है वो 300 रुपये का है। ठीक है, 350 का, पर हम लोगों को उसको 300 का मिल रहा है, ठीक है, होलसेल रेट पे। अभी उसमें 2 फेशियल होगा, ठीक है, 2 फेशियल होगा, तो जिसमें से 2 फेशियल मतलब अगर मैं 300 को आधा करूँ तो 150 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 150 रुपये मेरी लागत किट की पड़ रही है और 50 रुपये मैं और चार्ज रख ले रही हूँ टिश्यू वगैरह 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 जितनी मेरे पार्लर में बैठने उठने का सबका, तो 200 ये हो गया। अगर मैं 800 रुपये भी ले रही हूँ तो कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 600 रुपये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मुझे 1000 रुपये मिल जाता है तो ठीक है 800 रुपये प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर मैं 800 रुपये ले रही हूँ, 200 उधर चला गया, 600 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अगर 400 भी हो रहा है तब भी आप करो, ठीक है, लेकिन वापस नहीं जाने दो, पर उनसे बोलो कि फर्स्ट टाइम है मैं आपको कर रही हूँ पर नेक्स्ट टाइम आपका यही चार्ज रहेगा। ओके, फर्स्ट टाइम आप मेरा काम देखना चाहें तो देख सकती हैं, मेरा काम ऐसा इस तरीके से होता है, तो आपका काम जब पसंद आ जाएगा, आप बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रहे हो, बहुत सारे बड़े बड़े सैलून में ये होता है कि कटोरी में निकाल कर आते हैं, बोल रहे हैं O3 का है, लोटस का है, प्रोफेशनल रेंज, और पता चलता है कि अंदर प्रोडक्ट सिर्फ सिंपल सा रहता है, बहुत सारे लोग मेरे पास आकर ही यही बातें बताते हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वहाँ ऐसे होता है दीदी, इसलिए मुझे ये चीज़ें फिर नहीं समझ में आती हैं, तो ये चीज़ आप सामने रख के अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ग्लो आएगा तो सामने वाले को खुद ही पता चलेगा। अभी हम चलते हैं मेकअप रेट लिस्ट पर। लाइट या बच्चों का मेकअप, बहुत कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे हल्का सा फाउंडेशन लगा दीजिए, जिनके ऊपर प्राइमर वगैरह, अगर 13-14 साल की लड़कियां हैं, उनके मामा की बहन की शादी है घर में, तो बहुत शौक होता है उन्हें सजने का, तो वो चाहते हैं कि बहुत हल्का हो, जैसे बहुत हल्का सा फाउंडेशन और बहुत हल्का सा जो है आप लाइनर वगैरह लगा दिया, लिप कलर लगा दिया और हल्का सा सिंपल हेयर स्टाइल, तो उसमें आप सिर्फ 500 ले सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो 700 अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत हाई कवरेज के फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा मूस फाउंडेशन, लाइट सा, वेट सा, BBCC का ही करना है, तो आपको 500 रुपये ले लेना है। ठीक है, अभी आता है साइड पार्टी मेकअप, पार्टी मेकअप भी इसी में है, साइड मेकअप जैसे कि भाभी बहन उसी को बोलते हैं पार्टी मेकअप लोग। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको साइड या पार्टी मेकअप
में आप के लिए कर रही हैं, तो आप 1000, 1500, 2000, 3000। अभी 3000 किस में लेना है? बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल आप बना रहे हो, आई मेकअप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेंस वगैरह लगवा रही हैं, आई लैसेस वगैरह सब कुछ दे रहे हो आप, और मेकअप प्रोडक्ट जो है HD यूज कर रहे हो और उनके फेस पर प्रॉब्लम्स हैं, तो 3000। फिर बीच में मीडियम में किसी को हेयर स्टाइल बहुत अच्छी चाहिए होती है, फेस थोड़ा सा लाइट तो लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, ठीक है, 2000। फिर उसके बाद 1500, 1000, 1000 सिंपल सा हेयर स्टाइल रहेगा, मेकअप रहेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी रहेगी, फिर 1500 रुपये आप मेकअप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये अगर आप 3000 दे रहे हो तो फिर आपको सब कुछ अच्छा देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ लोगों को लुक वाइज बहुत अच्छा चाहिए होता है, आई मेकअप भी अच्छा रहे, मतलब थोड़ा डार्क मेकअप चाहिए होता है पर वो नेचुरल दिखे, तो मतलब मेकअप भी हो और नेचुरल भी दिखे तो वो थोड़ा सा टफ होता है, हेयर स्टाइल भी काफ़ी एक्सेसरीज वगैरह लगाना पड़ता है, तो 3000 रुपये आप पार्टी साइड मेकअप का ले सकती हैं। उसके बाद आता है सगाई इंगेजमेंट मेकअप, जिसमें आप 3000 से 5000 रुपये चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। 3000 में ये होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत सिंपल तैयार होते हैं, गाउन वगैरह पहन लिया और हेयर स्टाइल वगैरह कुछ खास नहीं स्ट्रेट करा लिया और बोले कि नहीं जो है मुझे बहुत लाइट सा मेकअप चाहिए, बिल्कुल हैवी नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल चाहिए, तो आप 3000। थोड़ा सा किसी को चाहिए होता है बहुत हैवी हेयर स्टाइल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनवाती हैं, एक्सेसरीज वगैरह लगाना है तो वहाँ पे फिर हमें जो है लेंस वगैरह लगाती हैं, तो 5000 रुपये। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो ये सारे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि आप हुडा ब्यूटी मैक जो अभी हमने ब्रांड बताई अपने सेकेंड वाले चैनल पर, वहाँ से लिए हुए ये सारे HD जो होते हैं। एक चीज़ और, हमारी एक क्लाइंट ने पूछा था कि मैम ये जो हमने बताया वो सभी जितने भी ब्रांड हमने अभी तक बताइए वो सभी HD ही प्रोडक्ट होते हैं, हाई क्वालिटी के सिलिकॉन बेस होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि जिस प्रोडक्ट में HD नहीं लिखा है वो नहीं है, HD प्रोडक्ट तो 700 का भी आता है और वो प्रोडक्ट 3000 का है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसमें जितने भी ब्रांड का नाम जितनी भी कंपनी का नाम हमने बताया वो सभी वाटरप्रूफ प्रोफेशनली और HD मेकअप प्रोडक्ट ही हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हाई डेफिनेशन, HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, जो आपके सभी स्किन प्रॉब्लम को ब्लर कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसकी और डिटेल हमने अपने चैनल पर दी है, तो आप सभी वीडियोस को देखा करिए तो आपको पता चलेगा। और रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन मेकअप के लिए बहुत दिनों बाद मैं लिख रही थी, हमेशा मोबाइल ही चलाती हूँ तो मुझे काफ़ी गलतियाँ भी हो रही थी यहाँ पे, तो रिसेप्शन मेकअप से जो है 5000 से 7000 के बीच में आप ये भी ले सकती हैं, यहाँ भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा हैवी कराते हैं सब कुछ, तो आप यहाँ पे 7000 नहीं तो 5000, कुछ लोग इतना भी नहीं देते तो आप 3 भी कर सकते हो। कुछ लोग बिल्कुल लाइट चाहते हैं ना, क्योंकि वो ज्वेलरी वगैरह गोल्ड ही पहनते हैं तो उसमें चाहते हैं कि बहुत लाइट मेकअप रहे। और उसके बाद ब्राइडल मेकअप का है, तो आप 8000 ले सकती हैं, नॉर्मली जैसे आप मेकअप स्टूडियो का कर रही हैं, क्रॉलन का प्रोडक्ट से कर रही हैं, आप 8000 ले सकती हैं। आप 10000 जैसे कि बेस आपने जो है HD लगा दिया है, बाकी चीज़ें आप नॉर्मल रेंज बजट का कर रही हैं, आप 10000 ले लीजिए। 12000 भी उसी तरीके मिक्स एंड मैच करके कर रही हैं तो आप 12000 ले लीजिए, या कि HD का भी आप 12000 ले सकती हैं, एरिया वाइज है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाई भी कर दिया है। और अगर आप 15000 ले रही हैं तो आपको A to Z आप कोई HD प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती हैं। और आप जैसे मेकअप भी कई तरीके का होता है कि काफ़ी ग्लॉसी मेकअप होना चाहिए, काफ़ी स्टाइलिश मेकअप होना चाहिए, तो वो उस पर भी ये चार्ज थोड़ा सा डिपेंड करता है। कुछ लोगों को चाहिए होता है नहीं मेरी पसंद की हेयर स्टाइल बनेगी, मेरी पसंद का ये बनेगा, आप मैं जैसे आपको बोलूँगी ऐसा कर लेंगे कि नहीं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी और जैसे कि आई लैसेस या लेंस वगैरह लगवाती हैं, आई लैसेस में भी क्वालिटी वाजी की 1000 के आई लैसेस आते हैं, तो जितना उनको अच्छा लुक चाहिए होता है उतना ही हमें नेचुरल प्रोडक्ट और अच्छा यूज करना होता है, आई लैसेस वगैरह काफ़ी नेचुरल करनी होती है, तो वो जो है 200-300 की वही चीज़ें मिलते हैं, जबकि 8000 में कर रहे हैं तो हम सिंपल से जो 20-30 रुपये वाले आई लैसेस आते हैं वो सब लगा सकते हैं ना, तो इसलिए चार्ज थोड़े से कम हो जाते हैं। और जैसे मिक्स एंड मैच करके कर देते हैं, तो जैसे कि फाउंडेशन हमने हाई क्वालिटी का किया, बाकी लिप कलर हो गया और जो है आईलाइनर हो गया या और बाकी सारी चीज़ें जितनी हैं उनको हमने थोड़ा सा कम में कर दिया, पर जब 15 का लेते हैं 20 का लेते हैं तो क्या होता है कि अभी ये चीज़ें बहुत बड़े सैलून में सिविल लाइन्स की बात करें तो ये 18000-20000 है, मैं खुद जानती हूँ, तो इतना चार्ज लेते हैं। सेम इसी चीज़ का जो हम 15 ले रहे हैं वो 20 लेंगे, ठीक है, तो एरिया वाइज वहाँ पे वो चीज़ चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 15 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको जो लिपस्टिक है, लिप कलर है, वो भी आपको
HD ही अच्छा ही इस्तेमाल करना होता है। तो A to Z प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे वाले यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने होते हैं, वाटरप्रूफ और काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छे होने। उसके बाद एयर ब्रश मेकअप जो है वो 15 से 18 हज़ार के बीच में आप रख सकती हैं, इसको 12 हज़ार में भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके भी सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, सिलिकॉन बेस ही होते हैं, तो यहाँ पर भी आप 15 से 18 के बीच में ये कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हाँ कुछ चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं, अभी मैंने ही नहीं लिखी है, तो जब मैं उसको तैयार कर लूँगी, जिससे कि और कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद भी भूल गई हूँ अभी, पर ज़्यादातर मैंने लिख दिया है, कुछ चीज़ें भी ध्यान से उतरी, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो अभी ध्यान में है, कुछ चीज़ें मुझे वो फाइल को देखेंगे तो कुछ चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी, तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर इतना चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं, ये रेगुलर में आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। रेट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इसमें से कुछ 10-5 रुपये आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आपका सब में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, देखिए हमारे चैनल का शायद जो है YouTube इम्प्रेशन बहुत कम भेज रहा है, तो बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं डेली वीडियोज़ डालती हूँ इस वाले प्रोफेशनल वाले चैनल पर, और मेकअप वाले चैनल पर सिर्फ हफ्ते में 2 वीडियो जाएगी। तो एक बार आप शाम होते होते चैनल पर आकर देख लिया करिए कि वीडियो अभी अपलोड हुई है कि नहीं, 10 बजे तक तो हो ही जाती है वीडियो अपलोड। तो मैं आपसे ये कहूँगी, और दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि YouTube से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे उनको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं कि समय पर मिले, तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। उसको प्रेस करेंगे तो सभी का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।